आप लोगों का प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये वीडियो आपका मन लगवा देगा। अगर सच में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नहीं तो अभी इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हो मेरे दोस्त। तुम्हारे पिताजी अमीर हैं या कहीं के विधायक हैं या 2-4 करोड़ के मालिक हैं जो ऐसे बैठे हो जैसे राजा के बेटे हो। तुम्हारे पिताजी एक किसान हैं। आप तो जानते हो कितना मेहनत करता है किसान। वो किसान जो तुमको बड़ा किया है, तुमको आज के समय में 20 की उम्र का बना दिया है। तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्त। तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता तो मन को लगाओ। ये जो मन है ना, केवल आराम खोजता है। जहाँ ठीक लगे, जहाँ खुशी मिले, वहीं जाना चाहेगा। मन बार बार भागेगा, तुम उसे बार बार पकड़ के लाओ। ये मन बहुत ही चंचल है। आपके साथ ऐसा होता होगा, अगर पढ़ने बैठते हो तो उसी टाइम सब काम याद आता होगा। थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, अभी बज रहे हैं 5। ओ सेट, 5 बजे तो दोस्तों से मिलने जाना था, चलो मिलकर आता हूँ तो पढ़ूंगा। ऐसे परेशानियाँ ना जाने कितनी हैं। दोस्तों एक बार अपने पिताजी के बारे में सोच लेना, जो आपको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, टाइम पर स्कूल कोचिंग का फीस भरते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं करते हैं और बोलते हो पढ़ने में मन नहीं लगता है। सच ये नहीं है कि मन नहीं लगता, सच ये है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। अगर पढ़ना चाहते तो YouTube पर आकर स्टडी मोटिवेशन सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे जिसको पढ़ना होता है उसके पास कोई बहाना नहीं है। बहाना तो वो बनाते हैं जिसको पढ़ना ही नहीं है। जो हो गया उसे सोचो मत, सोचकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। जितना समय बचाए उतना समय में तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल समझता है। कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। वक्त बदलेगा, तुम्हारा भी समय आएगा। दोस्तों मेहनत जारी रखो।